संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी, दुबई और अल एन जैसे शहरों में भारी बारिश के साथ बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़क, रेलवे और उड़ानों पर भी असर पड़ा है इसका। इन शहरों में ऑफिस और स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लोगों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है। वहीं आपको बता दें कि यूएई में सोमवार 15 अप्रैल को रात से बारिश शुरू हुई थी। मंगलवार 16 अप्रैल शाम तक यहां 4 इंच से ज्यादा पानी गिरा, जबकि यूएई में साल भर में इतनी बारिश होती है। मौसम विभाग ने बुधवार सुबह और तेज बारिश होने की आशंका जताई है। लोगों को घर में ही रहने की सलाह दी है। बहरीन, कतर और सऊदी अरब में भी भारी बारिश से हालात खराब हो गए हैं। ओमान में तेज बारिश के चलते 18 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा भारी बारिश के कारण यूएई के प्रशासन ने मंगलवार को लोगों से घरों में ही रहने का अनुरोध किया है। स्कूलों ने कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की है। सरकारी कर्मचारियों से भी घर से कार्य करने को कहा गया है। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह भारी बारिश के बाद दुबई जैसे थम सी गई है। यूएई के पड़ोसी देशों बहरीन, कतर, सऊदी अरब में भी जमकर बारिश हुई है। ओमान में तो हाल ही के दिनों में हुई बारिश से आई बाढ़ के कारण 18 लोगों की मौत हुई है। इनमें 10 स्कूली बच्चे भी शामिल हैं, जिनका वाहन बाढ़ से बह गया था। बहरीन की राजधानी मनामा में सड़कों पर पानी भर गया। कुवैत, सऊदी अरब व ओमान में बुधवार को चक्रवात की आशंका जताई गई।